हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और मैंने 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी अपान एक्स टू पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी अपान एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इजक्वल टू 1। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है सिंपल। आपको बस जानना पड़ेगा कि क्या तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इसको प्रूव करने के। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हम या तो एचएस ले लेते हैं या फिर आरएस ले लेते हैं, और जो भी लेंगे उसके अपोजिट वाले को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे इसको पूरा लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख लिया यहाँ पर, एल एस एस इक्वल टू दिस मच। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि ये जो बड़ा सा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम एक्स टू द पावर समथिंग कैसे लाएं। तो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके आप यहाँ पर एक्स टू द पावर समथिंग ला सकते हैं, और यहाँ पर भी एक्स टू द पावर समथिंग लाना है, और यहाँ पर भी एक्स टू द पावर। यहाँ पर आप रूल लगाएंगे ये वाला जो आप पढ़ चुके हैं, एक्स अपन वाई मान लीजिए रहता है और होल टू द पावर एम रहता है, तो क्या करता है, एम एम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, मतलब इतना बराबर हो जाता है एक्स टू द पावर एम अपान वाई टू द पावर एम, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपान, यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स टू द पावर बी होल अपान मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे होगा एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर होल अपान एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, मैंने क्या किया है, बस यहाँ पर जो फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया था आपको वो इस्तेमाल कर दिया, मतलब कि जो पावर्स थे वो दोनों में न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप जानते हैं ये वाला फार्मूला कि यदि ए टू द पावर रहता है एम और इसका होल पावर एन रहता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि ए टू द पावर कर देते हैं एम इंटू एन। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि एक्स टू द पावर हो जाएगा ए ए इंटू दिस मच। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस, एक्स टू द पावर ए इन ब्रैकेट, ठीक है, ए और ब्रैकेट में लगा देंगे इसको, तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्चुअली। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपान एक्स टू द पावर बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली वी विल डू दिस हियर। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर सबको लिख लिया इस तरीके से। अब करना क्या है कि मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ए को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पावर्स में और बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, इस तरीके से मतलब सारा लिख देंगे। एक्स टू द पावर, देखिए यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए क्यूब प्लस ए इंटू ए बी मीन्स हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी। देखिए ए से केवल हम इस ए में मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि सिमिलर टर्म्स यही हैं, मतलब सिमिलर वेरिएबल्स हैं, तो इसके पावर रेज हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर, ठीक है, होल अपान यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर, यहाँ भी करें मल्टीप्लाई तो मिलेगा हमें बी ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में तो मिलेगा हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी से बी स्क्वायर में करेंगे तो मिलेगा हमें बी क्यूब। ठीक है, तो हमने ऐसा लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए ऐसा हो गया, मतलब क्या हुआ क्या है, यहाँ पर एक्स टू द पावर समथिंग है और यहाँ भी एक्स टू द पावर समथिंग है, मतलब कि न्यूमिनेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में कुछ है। करना क्या है, आप दोनों को एक में करना है, तो कैसे कर पाएंगे आप, एक रूल आप जानते होंगे उसी का यूज करना है। ठीक है, और वो रूल क्या कहता है कि ए टू द पावर यदि एम है और ए टू द पावर ही एन है,
तो हम m में से n को माइनस कर देते हैं, मीन्स ए टू द पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है और हमें लिख लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर, देखिए ये पूरा लिखेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे इस पूरे को, लेकिन ब्रैकेट लगा करके ही करेंगे। माइनस करेंगे इन सभी को, तो देखिए ब्रैकेट यहाँ पर हम यहीं पर खोल सकते हैं क्योंकि हमें एक स्टेप और करना पड़ जाएगा, तो हम सोचते हैं कि यहीं पर कर लें, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये ब्रैकेट ना लगाएं बल्कि यहाँ पे माइनस करके डायरेक्ट इन सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी बी क्यूब। देखिए ये एक्स का पावर आ गया पूरा कंप्लीट, इतना केवल इसका एक्सप्रेशन, मतलब इतना जो है ये पूरा कन्वर्ट होकर के ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको भी ठीक ऐसे ही लिखना है और इसको भी ठीक ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब एक देखिए यहाँ पर बेस यहाँ भी ए है और बेस यहाँ भी ए है, एक्स है और यहाँ भी एक्स है, मतलब तीनों में एक्स एक्स बेस है, मतलब सेम बेस है। तो करना क्या है, इसके पावर्स को ऐड कर सकते हैं, मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स टू द पावर इतना दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच, मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे जो भी पावर्स रहेंगे, ठीक है। तो एक्स टू द पावर तीनों को एक साथ लिखना है अब। तो अब हमने क्या किया है, इसके सभी पावर्स को ऐड कर लिया। अब यहां पर आपका जो है फाइनल आंसर आने वाला है, कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही होगी। तो सिमिलरिटी क्या नजर आ रही है, यहां पर देखिए यहां पर ए क्यूब है, तो ए क्यूब यहां पर कहीं ना कहीं होगा और वो निगेटिव में होगा, तो देखिए ए क्यूब यहां भी है और ए क्यूब यहां भी है, तो दोनों को हम देखिए यहां पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये गया इससे, अब देखिए ए स्क्वायर बी है, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर बी जरूर होगा और वो निगेटिव में होगा, तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी यहाँ पे होगा, अच्छा यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं होगा जरूर, ए स्क्वायर बी यहाँ आ रहा है, देखिए ये है आपका ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब फाइनली आ जाएगा एक्स टू द पावर 0, है ना, कुछ नहीं बचा, एक्स टू द पावर 0 आ गया। तो आप पढ़े होंगे कि एक्स टू द पावर जब 0 रहता है किसी भी मतलब रियल नंबर के, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं और उसका पावर हम यदि 0 लेते हैं तो इक्वल टू 1 आता है हमेशा, मतलब रियल नंबर चाहे कुछ भी हो, मतलब 1/2 का पावर यदि जब 0 लेंगे तो आएगा 1, 2 का पावर यदि 0 लेंगे तो 1, और एक्स तभी तो 1 ही आएगा, है कि नहीं, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 क्या है, 1 ही तो है जो हमें लाना था, इक्वल टू आर एच एस जो हमें ऊपर लाना था, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है यहाँ पर इतना बराबर 1 लाना था, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर। तो मतलब हमारा यहाँ जो है एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और आर एच एस हमारा आ गया, तो बिल्कुल हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका सेकंड पार्ट, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू पावर बी होल टू द पावर सी एंड ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू पावर सी होल टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी। तो सिमिलरली जैसे फर्स्ट में किए थे ठीक है वैसे ही करेंगे, इतना इज इक्वल टू लाना है आपको 1, तो यहां पर आप लिख लेंगे टेकिंग आर एच एल एच एस। अब हमें करना क्या है यहां पर कि इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों में, मतलब कि एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी होल अपान एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर सी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सी मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे भी हो जाएगा एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी अपान एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी।
अब करना क्या है कि हमें रिप्लाई कर देना है, मतलब कि देखिए एक्स टू द पावर एम रहेगा और होल टू द पावर एन रहेगा, तो अब जानते हैं क्या करना है, एक्स टू द पावर एम इंटू एन कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, एक्स टू द पावर ए सी। अब फाइनली करना क्या है कि इन दोनों को हम एक साथ ऊपर कर सकते हैं, मतलब कि एक्स टू द पावर एम अपान एक्स टू द पावर एन रहता है तो हम क्या करते हैं, एक्स टू द पावर एम माइनस एन कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए सी माइनस बी सी इजक्वल टू एक्स टू द पावर, इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ए सी यदि यहाँ पर पॉजिटिव में है तो कहीं ना कहीं सी ए होगा या ए सी होगा निगेटिव में, तो ये ए सी और सी ए मतलब कि दोनों सेम हैं, बी सी निगेटिव में है और यहाँ पे देखिए बी सी पॉजिटिव में है, ए बी पॉजिटिव में है और यहाँ पे ए बी निगेटिव में है, कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि फाइनली बचा एक्स टू द पावर जीरो, और एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का पावर यदि जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है, केवल एक्सेप्ट जीरो की वैल्यू, मतलब जीरो टू द पावर जीरो ही बस क्या होती है, नॉट इक्वल टू वन होती है, ये मतलब नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड केवल इसके केस में होता है नॉट डिफाइंड, नहीं तो और सभी केस में से टू टू द पावर जीरो लेंगे तो वन आएगा, एक्स टू द मैंने कुछ भी लेंगे एनी एनी नंबर से कि 2.1 लेंगे तब भी इसका पावर जीरो लेंगे तो वन आएगा, यदि 1000 का पावर यदि आप जीरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू वन आएगी। कहने का मतलब कि इस तरीके से मतलब कि डिफाइन किया गया है, किसी भी रियल नंबर का पावर यदि जीरो लेते हैं तो वन आएगा एक्सेप्ट दिस वन, मतलब कि जीरो का पावर जीरो लेने पर वन नहीं आता, ये याद कर लीजिए, ये पढ़ेंगे आप क्लास 12th में। तो खैर हम समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे प्रूव करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।